मेघा सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की राजनीति काफी गर्मा चुकी है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस में अब दो गुट बढ़ चुके हैं और ये गुट काफी लंबे समय से आ रहे हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब खुलकर टकराव इन दोनों गुट में हो रहा है। पहला गहलोत का गुट है और दूसरा सचिन पायलट का। जी हाँ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में कब से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव राजस्थान में नजदीक आ रहे हैं ये मुठभेड़ जो है और बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है सीएम कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि राजस्थान की कमान आने वाले समय में वही अपने हाथों में लेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अशोक गहलोत को आखिर कांग्रेस पार्टी में कहां जगह मिलेगी। दरअसल सोनिया गांधी के तबियत खराब होने के बाद अध्यक्ष पद को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे और यहां पर नाम सबसे पहले अशोक गहलोत का लिस्ट में ऊपर था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए मना कर दिया है और अब जो है जंग यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर छिड़ चुकी है क्योंकि सचिन पायलट जो है राजस्थान की कमान नहीं छोड़ना चाहते और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है प्लानिंग यही कर रही थी कि अशोक गहलोत को राजस्थान से निकालकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय करवाया जाए। लेकिन अब अशोक गहलोत के इस पद से मना करने के बाद सीएम कुर्सी को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो गई है। चर्चा यही है कि आखिर अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव में यहां पर सीएम चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहां पर सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो सीएम पद के अलावा कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट को इस बार राजस्थान की राजनीति में मौका मिलेगा और अशोक गहलोत को क्या इस बार कांग्रेस पार्टी साइडलाइन कर देगी। आप किस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।